बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैबी काज़मी। नाज़रीन, बहुत सी बातें तो हम करते रहते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ख़बरें और कुछ बयानात और उन पर अपना तबसरा ज़रूर देना चाहता हूँ। पहला है, सिलेक्टेड और सिलेक्शन का कारोबार बंद होगा। हमने मुशर्रफ को निकाल दिया, तुम क्या चीज़ हो? ये बात की है बिलावल भुट्टो साहब। तुमसे उम्र में आधे हैं, लेकिन तुम्हें दिन में तारे दिखा देंगे, और तुम्हें जो लाए हैं उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। ये बात की है मरियम नवाज साहिबा ने। ये आमदन से जाहिद सासे क्या ड्रामा है? इससे बड़ा ड्रामा मैंने आज तक नहीं देखा। ये एक बात की है 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ताकि कि उन्हें आज तक ये समझ नहीं आई कि आमदन से जाहिद सासे होने का क्या मतलब है। मैं समझाता हूँ। लेकिन सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, वो कहते हैं नालायक का बाप आर्मी चीफ है, नाअहल को बाप ने बहुत वक्त दिया, लेकिन ये इतना नालायक और इतना नाअहल है कि बाप को भी शर्मिंदा करता रहा। मैं आपको तफसील से बल्कि वीडियो दिखाता हूँ कि ये लफ्ज आगे पीछे ना हो जाए। इमरान खान कहते हैं जो पापा बहुत गुस्से में है, कहते हैं पापा बहुत गुस्से में है। पापा किसको कहते हैं? पापा किसको कहते हैं? पापा कहते हैं वो आर्मी चीफ को। और फिर वो बुरा मना जाए कि मैंने तो कहा ही नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं बिलावल और मरियम साहिबा के बयानात पर तबसरा करता हूँ। जरा आप अंदाजा लगाए कि ये बयानात देने वाले हैं कौन, जो खुद सेलेक्टर्स की नर्सरी में पले। एक के वाले साहब जनरल अयूब और एक के वाले साहब जनरल जियाउल हक, उनके बकोल, और एक की वालदा ने और वालिद ने मुशर्रफ साहब से एनआरओ लिया। उनके वालिद और चचा ने बकोल इन्हीं के सेलेक्टर्स के पांव पकड़कर सियासत में की मरियम साहिबा को करनाम डॉन लीग से निकलवाया। और बिलावल तो सरदारी साहब के जो साहबजादे हैं, लेकिन सियासत में जो मरियम साहिबा है, मरियम नवाज साहिबा को अगर आप देखें तो वो ऐसे लगता है कभी कभी, मुझे यकीन करें कि वो सियासत से ज़्यादा जो है वो ग्लैमर में और शोबिज़ में दिलचस्पी रखते हैं। और क़यादत और अपोजिशन का ये फुकदान कि बिलावल जरदारी और मरियम साहिबा के साथ जो खड़े हुए सीनियर लोग हैं वो परेशान लगते हैं, वो आप यकीन करें इंटरव्यूज़ नहीं देते। इमरान खान साहब ने भी हालिया, जब आपको याद होगा, उन्हें नानी कहा था तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि आप हराम की दौलत पर पलने वाले, उस पर एक लफ्ज़ जो मुजाल है किसी ने कहा हो, क्यों भाई? सबसे ज़्यादा तो बुरी चीज़ ये लगने लगी थी। अच्छा, अब मरियम साहिबा ने एक इंकशाफ किया है कि आजकल एजेंसियों की 5 गाड़ियाँ इनका पीछा कर रही हैं, उनको लगता है ऐसे कि इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, मरियम साहिबा के जो ये इस तरह दावा है, इस पर मुझे इस तरह महसूस होता है कि जैसे उन्हें अपनी गिरफ्तारी का खदशा है। वरना आप ये देखें, जब भी किसी अहम सियासी लीडर, ये लोग बड़े लोग हैं, ज़ाहिर है आम लोग हमारे जैसे तो है नहीं, इनका रूट लगा होता है पहले से, सरकारी सतह पर इकदाम भी किए जाते हैं, इसलिए उनकी इस बात को वहम या गलत फहमी हम कह सकते हैं, या सियासी एतबार से आप ये हकीकत तो है कि हुकूमत के लिए आप पता ये जलसे रैलियाँ करते रहे, और मरियम साहिबा जेल में से ज़्यादा जो कैद से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। क्योंकि जब भी कोई, आजकल एक ट्रेंड है कि नया नया इनकलाबी दानिश्वर बनता है और वह एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोस्ट करे तो अगले दिन उसको कोई बंदा घूर कर देखे तो वो फेसबुक पर खप मचा देता है, वो ट्विटर पर एक अंधी मचाता है कि जी एजेंसियाँ मेरे पीछे पड़ गई हैं। ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड बढ़ गया। आप एक एंटी स्टैब्लिशमेंट लिखें, एक ट्वीट मारें, अगले दिन आपका उस बंदे का ड्रामा चेक करें, मतलब जैसे एजेंसियों के बंदों के इसके अलावा कोई और काम नहीं रह गया। अब ये लोग वो भी तो हो सकते हैं, आप ज़रा गौर करें कि आपने जलसों की कुर्सियाँ मुझे लगाई हैं, उनका किराया नहीं दिया, वो जो होटलों के अर्ध खाने आपने खुलवाए हैं उनके पैसे अभी तक नहीं दिए, वो लोग भी तो आपके पीछे आ सकते हैं पैसे मांगने के लिए अपने, उनसे भी तो आप बच तो नहीं सकते ना, वो इंसान है बेचारे, करोड़ों रुपये के बिल बने हुए। हालत इनकी ये है कि चालाकियों और फौजियों की वजह से इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं, और उनके वालिद साहब जिनका ये नाम इस्तेमाल करके सियासत में आई हुई हैं वो ता उम्र नाअहल है। और ये एक मरियम साहिबा कह रही हैं कि मैं जब बोलती हूँ तो हुकूमती ऐवान लर्ज उठते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है, यकीन करें कि काफ़ी अरसा मुझे भी हो गया, कि इनको तकरीर के फ़न से नाशना है और उन्हें मज़ीद अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है। जलसे की ज़ुबान क्योंकि और होती है, टीवी शोज़ की ज़ुबान और होती है, इंटरव्यूज़ में, आम जिंदगी में, मतलब कैसे बयानात दिए जाते हैं, ये बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है, एक आर्ट है। गड़ी खुदा बख्श चाहे तो वहाँ पर कुरान खानी की बजाय इमरान खानी करने नज़र आ रहे हैं। इंटरव्यू जब ये देते हैं तो कहते हैं जी लंदन में मेरी केयर, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, बड़ी मशहूर बात है।
हालांकि फिर मसला क्या, वही जायदाद निकले जिससे मतलब दोनों वालिद और बेटी दोनों नायल हो चुके हैं। मतलब इनको पता होना चाहिए कि आप अपना होमवर्क करके जाएं। लोग मेरे जैसे बैठे हुए मीडिया में ढूंढते रहते हैं हर वक्त खबरें। मेके में इनके बहुत मसाइल हैं, इनके अपने बहन भाइयों से जो कजन्स वगैरह उनसे नहीं बनती। और ससुराल में इनके साथ ये हुआ कि इनके जो जेठ है अवान साहब, वो पता है अभी अपने इस्तीफे से ही मुकर गए थे। अब सियासत के मैच में ये बारहवें खिलाड़ी का, बल्कि मैं कहूँ सियासी जोड़ा बन चुके हैं, बिलावल नहीं। इनका मकसद सिर्फ क्या है कि दौलत करप्शन की अपनी बचाना, नए अंदाज में करप्शन में दोबारा माल बनाना, फिर इक्तदार तक पहुँचना। लेकिन जिस सीढ़ी के जरिए वहाँ पहुँचना चाहते हैं उसका नाम है आसिफ जरदारी, और वो इनके साथ क्या गेम कर गए। ज़रा आप दो मिनट के लिए इनकी गेम ज़रा सुनिएगा। ये लोग चूंकि अवाम की नब्ज़ जानते हैं, कि ये लोग जानते हैं कि लोग सिर्फ ग्लैमर देखते हैं, सीनियर पार्ट मतलब देखने आ जाते हैं हमारे जलसों में, बड़ी बात हो जाती है। हालांकि इस्तीफ़ों की तारीखें गुजर गई हैं, ज़िमनी इंतखाबात का शोर मचा, लेकिन मौलाना और बिलावल साहब के दरमियान जो अख्तलाफ था वो सारा काम ख़राब कर गया। ये बात सच है, ये बेशक डिनाई करें, मैं अपनी खबर पर उस पर कायम हूँ जो मैंने आपको उस दिन बताई थी। आसिफ जरदारी साहब ने अपनी मरहूम बेगम का इंतकाम इनसे ले लिया। वो कैसे कि मियाँ साहब नंगी तस्वीरें फेंकवाते थे, मरियम साहिबा के हाथों से उन्होंने मज़ार पर फूल फेंकवा दिए। एक जरदारी मदारी को क्या करिए, शेरों का शिकारी जरदारी कह रही हैं हम, और पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे जिससे सारी जिंदगी दबाते रहे, और एक जरदारी सब पर भारी। और वो वाकई इनकी सियासत के अवाम निकले हैं। अब जो सियासी जोड़ा ये मरियम साहिबा का और मौलाना फजल रहमान साहब का बन रहा है, ये सारी गेम वही है। अब मैं आपको मियाँ साहब के बयान की बात बताता हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक सरकारी मुलाजिम हैं और आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपये। ये मियाँ साहब को समझाने के लिए, आपके महीने के जो अखराजात हैं वो कह लें 50,000 रुपये बनते हैं, बाकी जो 50,000 है वो आपके सेविंग में जमा हो जाते हैं। अब अगर आपकी लाइफ स्टाइल, आपका शाहाना अंदाज, आपकी प्रॉपर्टियाँ, आपकी गाड़ियाँ, आपके बैंक बैलेंस छलांगे लगाकर बढ़ता जाए तो लोग सोचेंगे भाई इनके पास कौन सा कानून का ख़जाना है। और यही बात ख्वाजा आसिफ के साथ भी हुई। ख्वाजा आसिफ मजाक कर रहे थे भाई उसमें कोर्ट में कि जी मेरे 21 करोड़ निकले, मैं 7 दफ़ा वज़ीर बनाऊँ। ख्वाजा आसिफ 1991 में आपको पता है इन्होंने सेनेटर का अहदा संभाला, फिर मुख्तलिफ अदवार में वफाकी वज़ीर MNA रहे। इससे पहले 1991 में इनके मजमू जो सासे थे वो सिर्फ 51 लाख रुपये थे, 51 लाख। और 2018 तक ये मुख्तलिफ अहदों पर रहने के बाद इनके हिसाब से 221 मिलियन, ये 21 करोड़ बना है। अब इनकी ज़ाहरी आमदनी से मुताबिकत ही नहीं रखते। और ख्वाजा साहब जो मुत्तहिदा अरब अमीरात की एक फर्म में MECO जिसे इमेको के नाम से मुलाजमत में 13 करोड़ हासिल करने का दावा करते हैं, लेकिन तफ्तीश में वही इनका पुराना मसला कि बतौर तनख्वाह रकम के हसूल का कोई ठोस सबूत नहीं। मतलब आपको पैसे मिले हैं, अब तनख्वाहें हमें मिलती हैं, सैलरी स्लिप है, सब कुछ बैंक में आते हैं रिकॉर्ड। ख्वाजा साहब नवाज शरीफ साहब जैसे लोगों की करप्शन करते वक्त नहीं पकड़े जाते, क्यों? ये बाख्तियार अहदों पर होने की वजह से बिला रोक टोक कार्रवाई करते हैं, मगर कि जमा किए पैसे को खर्च भी तो करना होता है। यहाँ पर ये मकाम है जब ये लोग अपने ही ख्वाहिशात के हाथों एक्सपोज हो जाते हैं। इसासे बनाते हैं मगर चूँकि जायज़ ज़राए आमदन नहीं होती तो फिर पकड़े जाते हैं। हामिद मीर ने इनको फरिश्ता साबित करने की पूरी कोशिश की उस दिन कॉलम में, जी ख्वाजा साहब मुबारक, ये ड्रामे सब। कानून तो महज़ दुनिया में भी आपको पता है हुकूमती नुमाइंदों पर चेक एंड बैलेंस रहता है हमेशा, इसीलिए वहाँ करप्शन आपको पता है मगरब में कम होते, उसे छुपाना नामुमकिन है। अब नवाज शरीफ साहब को आमदन से जायद जो असासे पकड़ने वाले इस कानून की समझ नहीं आ रही, मगर हैरत तो ये है कि इसको कानून को बनाने वाले खुद नवाज शरीफ साहब हैं। अब आप जरा इनकी जरा सा मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये कानून NAO 1999 की क्लास 5 उस वक्त बनाई गई थी जब मियाँ साहब दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 सेक्शन 3 को नैब कवानीन का हिस्सा बनाया, और आज ख्वाजा साहब को इन दोनों ही कवानीन के जरिए हिरासत लिया गया, ये दोनों कानून पर लगे हैं। अब आप बताएं कि खुद कानून बनाने वाले खुद ही सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा और ऐसे नहीं होगा। अब मैं आखिर में जो सराज लाला है हमारे जमात इस्लामी के अमीर, उनके बयान पर छोटे से जुमले चंद कहना चाहता हूँ। बड़े सादा आदमी हैं, मतलब इनको कहा जाता है कि मतलब खुद कहते हैं कि जी मोहम्मद बिन कासिम और टीपू सुल्तान से मेरी रिश्तेदारी बनती है, और मगर ये इनकी ज़बान देख कर कल बड़ा हैरान हुआ, यकीन करें मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। बड़े सादा, मैं इनके इंट्रोड्यूस भी कर चुका हूँ, बड़े अच्छे आदमी थे।
इनकी हिस्ट्री लेकिन जब देखता हूँ तो कभी ये ज़ियाउल हक साहब के साथ खड़े नजर आते हैं, कभी ये जनरल असलम बेग साहब के पास, मतलब हर आर्मी चीफ और हर जनरल के आगे पीछे ये लगे होते हैं। 2018 के सेनेट इलेक्शन में इन्हीं ख्वाजा आसिफ साहब से पूछते रहे कि जी आर्मी हमारी साइड पे है कि नहीं। अब इनकी जो इस अंदाज, मैं तो नहीं गालियाँ ही कहूँगा, ये जो गालियाँ निकाली जा रही थी, बाप, और ये मतलब किसी का बाप आप बना रहे हैं यार। असल मसला इस वक्त सेनेटरशिप की सीट का ख़त्म होना है, जो कि इन्हें तहरीक इंसाफ के साथ ताउन की वजह से मिली थी, और इस दफ़ा ये मौलाना फजल रहमान के पीछे लग कर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अब हाल ये है कि इनके पास सेनेट की सीट के लिए सिवाए कोई पार्टी बची नहीं, अभी किससे मांगे, तहरीक इंसाफ से नहीं है मौला, और मतलब जितनी पार्टियाँ सारे उन्हें फारग करा चुके हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब का जो ग्रुप है उसमें तो पहले ही आपको पता है इंतहाई बुरी तरह इंतशार फैला हुआ है। नून लीग में पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, पीपल्स पार्टी को अपना ख़तरा लगा हुआ है, ऐसे जमात इस्लामी अपने दो चार वोट लेकर फिर रहे हैं कि शायद कोई इन पर कोई इनको सेनेटर की एक आधी सीट की मतलब डाल दे बीच में। लेकिन बड़ा मुश्किल है इनके लिए फ़िलहाल, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब ये शायद दोबारा सेनेटर बन सकें, क्योंकि जो ज़बान अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद इनका जो चांस थोड़ा बहुत रहता था वो भी ख़त्म हो गया।